हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको जो है माइक्रोबायोलॉजी के एक टॉपिक को पढ़ाने वाला हूँ, वो है आपका केमिल्यूमिनेसेंस। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द एलाइजा, रेडियो इम्यूनोसेंस, इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेक्निक। ठीक है, आज ये जो है केमिल्यूमिनेसेंस जो है वो एक सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्निक है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आपके एंटीजन और एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए। ठीक है, इम्यूनोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो इम्यूनोलॉजी के अंदर जितने भी एंटीजन और एंटीबॉडीज के जो डिटेक्शन किए जाते हैं वो इन टेक्निक्स के जरिए ही किए जाते हैं। कौन कौन से टेक्निक, जैसे अभी तक हम कौन कौन से टेक्निक पढ़ चुके हैं, एक तो पढ़ लिया हमने एलाइजा। ठीक है, इन सारी टेक्निक्स को आप एक बार जो है कंबाइंड करके देखें, पूरा एक डिफरेंस समझें कि आपके रेडियो इम्यूनेसी में क्या हो रहा है, एलाइजा में क्या हो रहा है। मैं एक जनरल तो आपको बता दूंगा, आप वीडियोस देख करके उसको जो है कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक टेक्निक था आपका एलाइजा, एक आपका था रेडियो इम्यूनेसी या रिया, एक हमने टेक्निक पढ़ा था इम्यूनोफ्लोरेसेंस। ठीक है, इम्यूनो फ्लोरेसेंस। ठीक है, और आज का जो हमारा टेक्निक है वो क्या है, केमिल्यूमिनेसेंस। ठीक है, क्या केमिल्यूमिनेसेंस ऐसे। ठीक है, तो बेसिकली इन सारे के अंदर ही हमें करना तो बेसिकली एंटीजन एंटीबॉडी का डिटेक्शन ही है। ठीक है, बट इन सारी टेक्निक्स को अलग अलग यूज करने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो जैसे जैसे आप टेक्निक्स जो है अलग अलग पढ़ेंगे, उनके कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है, कुछ ना कुछ ऐसी स्पेशलिटीज है जिसकी वजह से हम यूज कर रहे हैं। लाइक एलाइजा है, एलाइजा के अंदर हमने एंटीजन और एंटीबॉडी को कंबाइन करके और उसमें हमने जो है एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया था और उसमें कलर प्रोडक्शन की बेसिस पे हमने पता किया था कि उसमें जो है आपका जो है टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जिसमें अपन ने तीन टाइप के एलाइजा पढ़े थे, कॉम्पिटेटिव एलाइजा, आपका सैंडविच एलाइजा और आपका जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट एलाइजा जो अपन ने पढ़े थे वो सारे। ठीक है, रिया के अंदर हमने या रेडियोमिनेसी में क्या किया था, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का इस्तेमाल किया था, उसके द्वारा एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन किया था। इम्यूनोफ्लोरेसेंस के अंदर हमने क्या किया था, इम्यूनोफ्लोरेसेंट डाई यूज करी थी और उस फ्लोरेसेंट डाई के जरिए हमने क्या किया था, एंटीजन और एंटीबॉडी का डिटेक्शन किया था। अब जो आपका है क्लिया, क्लिया यानी कि केमिल्यूमिनेसेंस ऐसे, इसके अंदर हमको क्या करना है कि इसके अंदर एक लाइट एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। उस लाइट एनर्जी के प्रोडक्शन को आप एक जो है डिवाइस के जरिए क्या करते हैं, मेजर करते हैं, जिसको आप ल्यूमिनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूमिनोमीटर। ये ल्यूमिनोमीटर क्या करेगा, आपकी एक ऐसी डिवाइस है जो कि क्या करती है, लाइट एनर्जी का जो प्रोडक्शन हो रहा है उस लाइट एनर्जी के प्रोडक्शन को जो है हमारे क्या है डिटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, और इनका पर्पस सबका क्या है, एंटीजन और एंटीबॉडी के डिटेक्शन करने का। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि आपका जो इसका एप्लीकेशन है वो क्या है कि डिटेक्शन फॉर द एंटीजन एंटीबॉडी, प्रोटीन्स, पेप्टाइड, हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स लाइक FSH है, LH है, टेस्टोस्टेरोन है, इसके अलावा आपके जो है बेसिकली प्रोजेस्टेरोन है, अलग अलग टाइप के हॉर्मोन्स है, ये सारे आपके डिटेक्शन इसके द्वारा किए जा सकते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया और वायरस के अंदर पाए जाने वाले एंटीजन्स को डिटेक्ट करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें जैसे आपका जो है वायरस के अंदर HIV में ग्लाइकोप्रोटीन 41 जो आपका एंटीजन प्रेजेंट है उसको हम डिटेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, और जैसे आपके बैक्टीरिया के अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में केमिल्यूमिनेसेंस का एक इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो जब भी आप बैक्टीरियोलॉजी पढ़ेंगे तो बैक्टीरियोलॉजी के अंदर जो आपका लैब डायग्नोसिस है उनके अंदर इन्हीं टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जाएगा। आगे आपको जो है जैसे एक PCR टेक्निक है उसका भी इस्तेमाल करके आप उसके जेनेटिक लेवल पर स्टडी कर सकते हैं, PCR या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसका भी वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके जो है ये सारे आपको चैनल पर मिल जाएंगे, एलाइजा भी मिल जाएगा, रिया भी मिल जाएगा, इम्यूनोफ्लोरेसेंस भी मिल जाएगा, क्लिया आज का टॉपिक है और PCR टेक्निक भी उसमें दे रखा है। ठीक है, तो सारे लिंक आपको मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, हम बात करते हैं आप क्लिया या केमिल्यूमिनेसेंस टेक्निक के बारे में। देखिए, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा उससे कॉम्प्लेक्सिटी रखता है आपके एलाइजा और रेडियोम्यूनेसिस से, बट अगर हम ध्यान से समझेंगे तो ये जो है आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेनली देखिए अगर हम कहें तो आपका जो ये टेक्निक है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि किसी सैंपल के अंदर 10^18 मोल तक का अगर आपका जो है सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट है एनालाइट के अंदर, मतलब आपका एंटीजन या एंटीबॉडी, उसको आप जो है डिटेक्ट कर सकते हैं। मेनली हम एंटीजन को डिटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अगर इतना सब्सटेंस प्रेजेंट होगा तो भी वो क्या कर लेगा, उसको डिटेक्ट कर लेगा, जबकि एलाइजा के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, तो ये इतने माइन्यूट अमाउंट को भी डिटेक्ट कर पा रहा है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जैसा अल्ट्रा सेंसिटिव मेथड। ठीक है, यानी कि हाईली सेंसिटिव मेथड है। ठीक है,
स्पेसिफिक मेथड है, हॉर्मोन्स के डिटेक्शन के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये टेक्निक जो है वो एलाइजा के कंपैरिजन में थोड़ा सा महंगा होता है, ठीक है, एलाइजा थोड़ा सा सस्ता टेक्निक है, जबकि इसके अंदर जो है आपके रिएजेंट्स और जो चीज़ें डाइज वगैरह यूज करते हैं वो थोड़ी सी महंगी होती है, इसलिए जो है ये क्या है, सेंसिटिव मेथड तो है बट थोड़ा सा कॉस्टली है, ठीक है। अब देखिए इसके प्रोसीजर और इसके एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है, और साथ ही साथ इसके प्रिंसिपल के बारे में। देखिए जैसा कि आपको दे रखा है इसमें कि कैमिल्यूमिनेसेंस डिस्क्राइब द इमिशन ऑफ लाइट दैट अकर्स एज द रिजल्ट ऑफ सर्टेन केमिकल रिएक्शन दैट प्रोड्यूस द हाई अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ फोटोन व्हेन द इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल रिलैक्स टू देयर स्टेबल ग्राउंड स्टेट एंड लाइट प्रोडक्शन इज डिटेक्टेड बाय द ल्यूमिनोमीटर। देखिए ये जितनी इतनी बड़ी जो आपको लाइन दिखी है इसको आप जो है पहले प्रोसीजर को समझ लें, अगर ये समझ लेंगे तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले हमने क्या किया है कि एक ऐसा माइक्रोटाइटर प्लेट लिया है जिसके अंदर हमने ऑलरेडी क्या है, जैसे सपोज एक माइक्रोटाइटर प्लेट लिया है, इसके अंदर ऑलरेडी हमने क्या किया था, एंटीजन कोटेड कर रखा है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ये क्या है आपका इस तरीके का ये जो दिखा रखा है, ठीक है, ये क्या है आपका ऑलरेडी वेल में कोटेड एंटीजन है, ठीक है, वेल में कोटेड एंटीजन, ठीक है, वेल में ऑलरेडी कोटेड एंटीजन है। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि पेशेंट का जो है सैंपल ऐड करेंगे, ठीक है, तो पेशेंट का सीरम जब ऐड करेंगे तो हमारा जो है वेल में, अगर पेशेंट के सीरम में जो है वो एंटीबॉडी अगर उसके लिए प्रेजेंट होगी, सपोज मान लीजिए कि अगर यहाँ पर HIV का जो है एंटीजन जो है हमने लिया है, HIV का ग्लाइकोप्रोटीन 41 एंटीजन, ठीक है, और हमने जो है जब पेशेंट का सीरम डाला तो उसमें जो है अगर जो है HIV का इन्फेक्शन अगर पर्सन के हुआ तो उसके अंदर वो एंटीबॉडीज क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो कि इसके अंदर सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड करते हो, तो अगर जो है ये इसके साथ बाइंड हो चुका है तो वॉशिंग के बाद, हर स्टेप में जब हमारे को वॉशिंग करनी होती है तो वॉशिंग के बाद अगर ये बाइंड हो चुका है तो ये वॉश आउट नहीं होगी। और जो आपकी दूसरी सेकेंडरी एंटीबॉडी अपन ने जो यूज की है ये क्या है, ये वाली जो थी वो आपकी थी प्राइमरी एंटीबॉडी, ठीक है, और ये वाली क्या है आपकी सेकेंडरी एंटीबॉडी, ठीक है, तो ये क्या करेगी इससे बाइंड हो जाएगी। इसके ऊपर एक स्पेसिफिक एंजाइम लगा होता है, इस एंजाइम को बोलते हैं HRP एंजाइम, क्या बोलते हैं, HRP या फिर हॉर्स रेडिस परोक्सीडेज एंजाइम जो है इस पर अटैच्ड होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि जब इसके साथ बाइंड हो जाएगा और जब हम इसमें एक अलग से एक रिएजेंट ऐड करेंगे जिसको ल्यूमिनॉल के नाम से जानते हैं, ठीक है, एक ल्यूमिनॉल नाम का जो रिएजेंट है वो जब हम इसमें ऐड करते हैं तो वो क्या करता है, इस HRP एंजाइम की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, और ये जब ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, फोटोन्स रिलीज होंगे, ठीक है, ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होगा, फोटोन्स रिलीज होंगे। और इसमें ऐसा होता है कि ये जब पहले जो है एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, ठीक है, ये जब ऑक्सीडेशन के बाद एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो वो दोबारा से अपनी प्रीवियस स्टेज में लौट के आएगा, अपनी ग्राउंड स्टेट में लौट के आएगा, तो वो क्या करेगा आपका एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा, वो एनर्जी क्या है, लाइट के रूप में हमारे को दिखाई देगी, लाइट एनर्जी का प्रोडक्शन जो होगा वो हमारे को दिखता है, और वो हमारे को जो है नेक डाइज से डिटेक्ट नहीं होगा, हम उसको ल्यूमिनोमीटर की हेल्प से क्या करते हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, और डिटेक्शन करके उसको फाइंड आउट करते हैं। अगर टेस्ट पॉजिटिव होगा तो उसके अंदर ल्यूमिनोमीटर के अंदर आपको लाइट का प्रेजेंस दिखेगा, और अगर एब्सेंट होगा या मतलब आपके सैंपल में कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है तो आपका जो है वो क्या हो जाएगा, कोई लाइट उसमें शो नहीं होगी, ठीक है। तो ये दोनों ही रिएक्शन है, अगर लाइट दिख रही है तो इसका मतलब पॉजिटिव है, अगर नहीं दिख रही है तो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो ये चीज है जो हमारे को ध्यान रखनी है, इसके अंदर ये चीज इसमें बता रखी है कि देखिए कैमिल्यूमिनेसेंस क्या करता है, डिस्क्राइब करता है क्या, इमिशन ऑफ द लाइट यानी लाइट के इमिशन को डिस्क्राइब करता है एज द रिजल्ट ऑफ सर्टेन केमिकल रिएक्शन, यानी कि कुछ केमिकल रिएक्शन क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुआ, और ऑक्सीडेशन की वजह से क्या है, एक हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो क्या होती है, लॉस होती है फोटॉन्स के रूप में, जब ये जो आपका एक्साइटेड मॉलिक्यूल है वो आपके ग्राउंड स्टेट में लौट करके आता है तो वो क्या करता है, एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, मेनली अपने जो है क्या करेगा, लाइट के रूप में वो एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है, और उस लाइट में लाइट जो रिलीज हो रही है उसको आप ल्यूमिनोमीटर की हेल्प से क्या करते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका कैमिल्यूमिनेसेंस का जो है मेथड है जिसके द्वारा आप क्या करते हो, एंटीजन एंटीबॉडी का डिटेक्शन, इसके अलावा हार्मोन प्रोटीन और पेप्टाइड्स का डिटेक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था कैमिल्यूमिनेसेंस के बारे में, अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो दोबारा से आप इसको रिपीट करके देखें वीडियो को, और फिर आप कमेंट करके इसको पूछ सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।